अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ जमाल और आप देख रहे हैं टेक वाला बॉस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने अपने जो आपका वाईफाई होता है उसको आपने कैसे हाइड करना है। मतलब जिस तरह आम सर्च में वाईफाई ओपन करते हैं, हम वाईफाई खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो इसमें वाईफाई की लिस्ट आ जाती है, उसमें से आपने अपनी वाईफाई को हाइड कैसे करना है। मतलब आम किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास वाईफाई है या नहीं। वाईफाई के बारे में मेरे चैनल में काफ़ी दो तीन वीडियोस वैसे भी पड़ी हुई है, पर ये उन सब से अलग है और मैं हर दफ़ा अलग अलग ही वीडियो लगाता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने टेक वाला बॉस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिले। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, अपना एड्रेस डालना है जो आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, और लॉगिन होना है। मेरा ये नेटवर्क ऑलरेडी हाइड है, बस मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। वायरलेस में जाना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड एक्सेस पॉइंट, ठीक है, हाइड एक्सेस पॉइंट पे करना है। और यह इस तरह लिखा होता है कि हाइड SSID, जिस तरह ये SSID है ना, तो इस पर लिखा होता है कि हाइड SSID, यहाँ लिखा होता है कि कहीं किसी मोडेम में लिखा होता है डिसेबल SSID, हाइड SSID, तो इसमें लिखा हुआ है हाइड एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करके सेव करना है, ठीक है। सेव करेंगे तो ये सब डिवाइस से डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है क्योंकि आपको तो पता भी नहीं होता, तो ये नेटवर्क मेरे पास कनेक्टेड है ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको उस नेटवर्क में दिखाता हूँ जो मेरे पास कनेक्टेड नहीं है और वो हाइड है। तो आपने एग्जैक्ट अपना यहाँ पे आएगा हिडन नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर में आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा आएगा हिडन नेटवर्क, ठीक है, और अगर मोबाइल में करते हैं तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। हिडन नेटवर्क कनेक्ट, आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने सेम नेम लिखना है जो आपने दिया हुआ है, अगर कैपिटल में दिया हुआ है तो कैपिटल में लिखना है, एक लफ्ज़ कैपिटल में है तो एक लफ्ज़ लिखना है, जो जिस तरह भी होता है एग्जैक्ट सेम। तो मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। अपने नेक्स्ट करना है, यहाँ पे अभी पासवर्ड मांग रहे, ठीक है, तो ओके। ये मेरे पास आप देख सकते हैं वाई ट्राइब कनेक्टेड, ठीक है, वाई ट्राइब कनेक्टेड, ठीक है, मतलब अभी मेरा इस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा मेरे घर का ही दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। तो चले चलते हैं, मैं अभी आपको अपने मोबाइल में भी दिखाता हूँ कि आपने मोबाइल में कैसे करना है अपने हिडन नेटवर्क को। आपका अगर नेटवर्क आपने हिडन कर लिया है तो आपने उसको कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है फिर, क्योंकि वो आम वाईफाई के सर्च में नहीं आता। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने वाईफाई में जाना है एंड यहाँ से अगर आपका पास सैमसंग है तो उसमें आप वाईफाई लिस्ट के नीचे बिल्कुल जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा एड नेटवर्क, ठीक है। और अगर आप किसी कोई दूसरा एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो इसमें ये प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। नेटवर्क SSID मतलब नेटवर्क का नेम जो होता है, तो WI-TRIBE, ठीक है, उसमें फिर आपने ये सेलेक्ट करना है WPA 2PSK, मतलब कौन सी सिक्योरिटी आपने लगाई हुई है उसके ऊपर, तो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट होती है वो ये होती है, ठीक है। इसमें अभी हमने पासवर्ड डालना है,
ठीक है। तो देखें ये ऐड हो गया, अभी कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिंग, ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। एंड कनेक्टेड। तो ऐसे आप अपने एंड्रॉयड को भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम वो वीडियो बनाएं। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।